क्लास 8th की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4, आज हमें स्टार्ट करना था। चैप्टर नंबर 3 तक जो है चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और उसके अभ्यास प्रश्नों को भी हम लोग हल कर चुके हैं इसके पहले की वीडियो क्लासेस में। अगर आपने बच्चों अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लास 8th साइंस की प्लेलिस्ट, उसमें जो है सारे वीडियो क्रम से डले हैं, उसको देख करके आप अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं, साथ ही चैप्टर को समझ सकते हैं। और अब हम बढ़ते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 4 की ओर, खनिज एवं धातु। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर हम पढ़ेंगे खनिजों का सामान्य परिचय, धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण क्या हैं, उनके रासायनिक गुणों में क्या भिन्नता है, धातु और अधातुओं के हम क्या उपयोग हैं, हम क्या उपयोग उसका करते हैं, धातुओं का संक्षारण, कारण एवं समाधान, ये भी हम इस चैप्टर में जानेंगे। साथ ही गैल्वनीकरण की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है और क्या है, ठीक है, इसके बारे में भी हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मिश्र धातुएं किन्हें कहा जाता है, उनकी क्या विशेषता होती है और उनको हम किस तरीके से उपयोग करते हैं, उनकी क्या उपयोगिता है, ये भी हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों हम जो है अपने चारों ओर ऐसे बहुत सारे उपकरण देखते हैं, वस्तुएं देखते हैं, यंत्र देखते हैं जिसमें धातुओं का प्रयोग किया गया है। तो जब मानव का विकास हो रहा था तो उस समय ताम्र युग आया था, वो उसमें उसका विशेष महत्व है बच्चों। तांबे से बनी वस्तुएं होती थी उस समय, अस्त्र मतलब ये अस्त्र शस्त्र जो लड़ाई के लिए होते वो भी सब जो है वो तांबे से बनते थे। फिर इसके बाद में जो है वो लोहे की खोज हुई, और जब लोहे की खोज हुई तब औद्योगिक क्रांति जो है वो का जन्म हुआ। उस समय जो है औद्योगिक क्रांति तेज़ी से बढ़ी, उद्योग कारखाने वगैरह जो हैं लोहे की खोज के कारण जो है निर्माण उनका आसान हो गया, मशीनें बनने लगी, चीज़ों का निर्माण होने लगा ना, तो तब जो है तेज़ी से हमारे देश का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई। तो आप बच्चों देखते होंगे बहुत सारे बर्तन हैं, आभूषण हैं, उपकरण हैं जो बिजली के हैं, और यातायात के जो साधन हैं, आने जाने के जो साधन देख रहे हैं ना, चाहे बस हो, चाहे कार हो, ट्रक हो, साइकिल हो, वो बिना किसी धातु के जो है, अगर सोचे हम कि बिना धातु के हम बना लें तो वैसा संभव नहीं है। कोई क्षेत्र बच्चों ऐसा नहीं है जहाँ पर धातुओं का प्रत्यक्ष या परोक्ष उपयोग ना हो रहा हो। वास्तव में बच्चों धातुएं प्राप्त कैसे होती हैं, कैसे आती हैं हमारे पास में, तो ये वास्तव में प्रकृति में ही उपलब्ध हैं। अब कैसे हैं, कैसे बनती हैं, तो जो खनिज हैं, जो हमारी भूमि है, पृथ्वी है, उसके अंदर जो बहुत सारे खनिज हैं वो अनेक जटिल प्रक्रियाओं से होते हुए उनका भौतिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन भी होता है, और वो कई सालों के बाद जो है वो धातुओं में बदल जाती हैं। तो यही जो है, और वास्तव में प्रकृति में केवल कुछ ही धातुएं जो हैं वो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। अब जैसे कि सोना हो गया, गोल्ड ज्वेलरी के रूप में आप देखते ही होंगे, वैसे भी देखते होंगे, प्लेटिनम वगैरह हो गया, ये सब जो धातुएं हैं वो तत्व के रूप में पाई जाती हैं, लेकिन अधिकांश जो धातुएं हैं वो प्रकृति से यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। इनमें सबसे अधिक जो धातुएं हैं वो किस में पाई जाती हैं जो यौगिक के रूप में, वो ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं। लोहा हो गया, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज हो गया, ये सब जो है ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। और दूसरे स्थान पर जो धातुएं जो हैं वो क्या है, सल्फाइड के रूप में भी पाई जाती हैं। अब सल्फाइड के रूप में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं, जैसे कॉपर है जिसको तांबा बोला जाता है, सीसा हो गया, लेड, जिंक ना, निकेल, ये सब जो है वो क्या है, सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं धातुएं। और प्रकृति में सिलिकेट के रूप में जो खनिज बहुलता में पाए जाते हैं, और सिलिकेट के धातुओं का जो निष्कर्षण है वो भी थोड़ा सा कठिन होता है और थोड़ा महंगा भी या खर्चीला भी होता है। अब हम बात करते हैं जो खनिज जो हैं वो प्राकृतिक पदार्थ के रूप में किस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं। तो अब जनरली बच्चों आप सभी के घर में होगा, चाकू देखा होगा आपने ना, कुल्हाड़ी देखी होगी, तो चाकू और कुल्हाड़ी का क्या यूज़ करते हैं हम, तो चाकू से तो हम फल सब्जियां ये सब काटते हैं, और कुल्हाड़ी से क्या काटते हैं, लकड़ी काटते हैं। तो ये किससे बने होते हैं आपने कभी सोचा है, ये आपने देखा होगा, तो चाकू और कुल्हाड़ी जो है वो लोहे से बने होते हैं। और क्या एग्जाम्पल हैं जो धातुएं हैं जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, तो आपने बच्चों देखा होगा जो बिजली के तार हैं ना, तो जो बिजली के तार उसके ऊपर तो आपको प्लास्टिक की वो दिखती है, कभी वाइट दिखेंगे, कभी लाल, कभी नीले, ऐसे करके दिखते हैं, लेकिन उसके अंदर जब छीला जाता है, जब कोई भी प्लग कसा जाता है, उसमें अंदर कोई ना कोई धातु रहती है। तो वो कौन सी धातु होती है आपने कभी देखा, उसको कैसे कलर की दिखती है, वो तांबा होता है जो कि थोड़ा सा गुलाबी से कलर का दिखता है,
तो ये आपने सोचा है कि लोहा, तांबा ये सब कहाँ से आते हैं, तो वास्तव में ये जो खनिज पदार्थ हैं वो पृथ्वी की जो भूपट्टी मतलब पृथ्वी के अंदर जो है उसकी लेयर्स हैं उसमें से प्राप्त होते हैं। और पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी का निर्माण जो है विभिन्न प्रकार के तत्वों और यौगिकों से होता है, और उसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिक हैं उनको क्या कहा जाता है, खनिज कहते हैं। अब खनिज में जैसे हो गए क्वार्टर्स, माइका, हेमेटाइट, बॉक्साइट, अर्जेंटाइट, ग्रेनाइट, है ना, ये सब क्या हैं, खनिज हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे जो हैं खनिज जो हैं वो प्रकृति में पाए जाते हैं। और जो चट्टानें होती हैं वो सिलिकेटों से मिलकर के बनी होती हैं, जो पृथ्वी पर सबसे सामान्य खनिज हैं। अब बात करते हैं खनिज कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए बॉक्साइट का चित्र दिख रहा होगा आपको, जो कि एल्युमिनियम का खनिज है। ठीक है, बॉक्साइट किसका खनिज है, एल्युमिनियम का खनिज है। तो खनिज जो है वो पृथ्वी के तल पर भूपट्टी में समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो पृथ्वी के तल पे भी पाए जाते हैं, पृथ्वी के अंदर भी पाए जाते हैं, जो समुद्र है वहाँ पे भी पाए जाते हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडेट आदि जो हैं वो खनिज जो हैं वो समुद्र के जो जल हैं, समुद्री जल है उसमें पाए जाते हैं। खनिज जो है बच्चों धातु और अधातु दोनों प्रकार के हो सकते हैं, वो धातुओं के जैसे भी हो सकते हैं, धातु भी हो सकते हैं कुछ खनिज, और कुछ जो हैं वो अधातु भी हो सकते हैं। तो अगर धातु तो आपने देख लिया, ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि अधातु कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर स्फटिक, क्वार्ट्ज, अभ्रक जो हैं वो क्या हैं, अधातु खनिज हैं। खनिज जो हैं वो धातु और अधातु तत्वों के यौगिक भी हो सकते हैं, यानी कि धातु और अधातु तत्वों के यौगिक जो है अगर हैं तो वो भी खनिज हो सकते हैं। जैसे अगर बात करते हैं हम बॉक्साइट की, तो बॉक्साइट जो है वो उसका फार्मूला होता है Al2O3 2H2O। तो ये बॉक्साइट नामक जो खनिज है वो इसमें दिख रहा है आपको एल्युमिनियम, जो कि क्या है, हमारी धातु है, और ऑक्सीजन क्या है, अधातु है। तो इन दोनों को मिलाने से मिलकर के बना हुआ है क्या, बॉक्साइट। यानी धातु और अधातु के मिलने से भी कई बार जो है वो खनिज बनते हैं, जैसे कि बॉक्साइट। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं कॉपर ग्लास की, है इसका फार्मूला क्या है, CuS। तांबा तथा सल्फर धातु, इसमें दो चीज़ें दिख रही हैं आपको, तांबा भी है जो कि धातु है, और सल्फर वो क्या है, अधातु है। तो इन दोनों का मिश्रण है, ठीक है, जो कि खनिज है। अधिकांश जो धातुएं हैं बच्चों वो संयुक्त अवस्था में अपने यौगिक के रूप में ही मिलती हैं। प्रकृति में केवल कुछ ही धातुएं जो हैं वो मुक्त अवस्था के रूप में प्राप्त होती हैं। अब कौन सी ऐसी धातुएं हैं जो मुक्त अवस्था में प्राप्त होती हैं, तो यहाँ पर देखिए सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब क्या है, वो मुक्त अवस्था में मिलती हैं, तत्व के रूप में पाई जाती हैं। और अधिकांश धातुएं जो हैं वो यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। और यहाँ पर एल्युमिनियम, लोहा, मैंगनीज जैसी अनेक धातुएं जो हैं ऑक्साइड के रूप में, और कुछ धातुएं जो हैं सल्फाइड के रूप में, कार्बोनेट के रूप में भी पाई जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं अयस्क की। अब अयस्क है क्या बच्चों वास्तव में, तो लगभग जो चट्टाने हैं उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। अब चट्टाने तो बहुत बड़ी होती हैं, अब उसमें कितनी धातु है, कहीं किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, तो जिनमें धातु की मात्रा बहुत कम होती है तो उनको उस धातु को निकालना, निष्कर्षित करना जो है वो कठिन होता है, साथ ही बहुत महंगा भी होता है। भाई पता चला हमने इतनी मेहनत की, इतने चट्टाने तोड़ी और निकाला उसको, और उसको तोड़ने में इतना ज़्यादा हमारा खर्चा हो गया, और निकली कितनी धातु, बहुत ज़रा सी, तो वो जो है वो महंगा पड़ता है। लेकिन अगर जो खनिज है उसमें चट्टाने हैं उसमें धातु की मात्रा अगर अधिक है, तब क्या होगा कि धातु का निष्कर्षण भी जो है वो आसानी से हो जाएगा, और हमारे लिए वो क्या होगा, हो जाएगा, लाभकर भी हो जाएगा, यानी हमें ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होगी धातु। तो ऐसे खनिज जिन धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में हो जाता है, क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। अयस्क क्या हो गया बच्चों, ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में हो जाता है, वो क्या कहलाएंगे, अयस्क कहलाएंगे। तो अगर हम बात अगर सोचिए जो अयस्क हैं तो वो किससे बनते हैं, खनिज से बनते हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं बच्चों कि सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज जो हैं वो अयस्क नहीं होते हैं, क्योंकि खनिज तो कुछ ऐसे भी हैं जो उसमें से धातु को निकालना
सरल नहीं है, बहुत महंगा है, कठिन है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी खनिज जो हैं अयस्क होते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। धात्विक खनिज जो है वो किन किन रूपों में पाया जाता है, जो एक तरह से कहा जाए कि अयस्क जो है वो किन किन रूपों में पाया जाता है। तो जो अयस्क हैं वो धातुओं के ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट और कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। किसमें किसमें पाए जाते हैं जो अयस्क होते हैं, वो धातुओं के ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट और कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। अधिकांश अयस्कों में केवल एक ही धातु उपस्थित होती है, ठीक है। जितने भी अयस्क रहेंगे उसमें कितनी धातु होंगी, एक ही धातु रहेगी। और यहाँ पर देखिए कुछ प्रमुख अयस्क, नीचे एक टेबल बनी हुई है उसमें कुछ प्रमुख अयस्क हैं और उनसे निष्कर्षित किए जाने वाली जो है वो धातुओं को बताया गया है। यहाँ देखिए तालिका है 4.1, ठीक है। यहाँ पर धातु दी हुई है और फिर अयस्क किस, उसका अयस्क क्या है और अयस्क में बहुतायात में उपलब्ध जो यौगिक है उसका रासायनिक फार्मूला क्या होगा और उसका रूप क्या होगा। तो धातु है मैग्नीशियम, है ना, और उसमें अगर हम अयस्क का नाम लिखें तो है मैग्नेसाइट और MgCO3 के रूप में लिखा जा रहा है उसको। वो वास्तव में ऐसे खुली अवस्था में तो है नहीं, तो वो किस में, किसके रूप में है, वो कार्बोनेट के रूप में है, ठीक है। CO3 जुड़ा हुआ है यानी क्या है, वो कार्बोनेट है। जिसके पीछे CO3 जुड़ा हुआ है यानी वो कौन सा है, अयस्क का रूप जो है वो किस रूप में है, कार्बोनेट के रूप में है। जिसके पीछे S जुड़ा होगा बच्चों वो कैसा होगा, सल्फाइड के रूप में होगा। जिसके पीछे O जुड़ा होगा वो ऑक्साइड के रूप में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा जो है धातु है जिंक। अब जिंक का अयस्क कौन सा है, कैलेमाइन। और इसका फार्मूला क्या है, ZnCO3 हो गया और CO3 जुड़ा हुआ है लास्ट में, तो इसका मतलब ये अयस्क का कौन सा रूप है, कार्बोनेट, ठीक है। फिर अगली धातु है लेड, जिसे उससे कौन सा अयस्क मिलता है, गैलेना अयस्क मिलता है, PbS उसका जो है, जो उसका रासायनिक सूत्र हो गया और उसका यस जुड़ा हुआ है इसमें पीछे दिख रहा होगा आपको, तो इसका मतलब है कि वो अयस्क का रूप जो है उसका क्या है, सल्फाइड रूप में है। अब कॉपर जो धातु है उससे उसका एक अयस्क है कॉपर ग्लांस, ठीक है। इसका फार्मूला जो है, इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, बहुतायत में जो उसका यौगिक है वो Cu2S और यस जुड़ा है लास्ट में, तो क्या होगा उसमें, अयस्क का कौन सा रूप होगा, सल्फाइड होगा, ठीक है। समझ में आ रहा ना बच्चों। अब इसी तरीके से आयरन एक अगली धातु है जिसमें अयस्क कौन सा, आयरन से कौन सा अयस्क प्राप्त होता है, वह हेमेटाइट, ठीक है। और यहाँ पर इसका रासायनिक सूत्र Fe2O3 है, ओ जुड़ा हुआ है बच्चों लास्ट में, तो यानी ये अयस्क का कौन सा रूप हो जाएगा, ऑक्साइड, ठीक है। अब इसके बाद है अगली धातु है एल्युमिनियम। अब उसका अयस्क क्या है, तो बॉक्साइड है, उससे प्राप्त होता है, एल्युमिनियम से हम प्राप्त करते हैं और इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा Al2O32H2O, ठीक है। यहाँ ओ लास्ट में जुड़ा हुआ है तो यानी ये कौन सा रूप हो जाएगा अयस्क का, ऑक्साइड वाला रूप हो जाएगा, ठीक। इसके बाद है सिल्वर। अब सिल्वर में से कौन सा अयस्क प्राप्त होता है, तो अर्जेंटाइट जो है वो किससे प्राप्त होता है, सिल्वर से प्राप्त होता है और इसका जो है रासायनिक सूत्र Ag2S है और यहाँ एस लास्ट में जुड़ा हुआ है यानी इसमें अयस्क का कौन सा रूप है, अयस्क का सल्फाइड रूप है, ठीक है। यस जुड़ा रहेगा तो सल्फाइड, CO3 जुड़ा है तो कार्बोनेट, ओ जुड़ा है तो ऑक्साइड, ठीक। अब यहाँ पर अगली धातु है कैल्शियम, तो उससे कौन सा अयस्क प्राप्त होता है, जिप्सम और उसका फार्मूला है CaSO4 2H2O, ठीक। और इसमें कौन सा, यहाँ SO4 जुड़ा हुआ है यानी कि सल्फेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तालिका देख करके आप समझ गए कि किस धातु से कौन से अयस्क प्राप्त होते हैं और उसमें अयस्क का कौन सा रूप है, उन जो बहुतायात में उपलब्ध यौगिक है उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने जाना कि जो अयस्क क्या होते हैं, खनिज जो है वो प्राकृतिक पदार्थ के रूप में किस प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं ना, और कुछ किन धातुओं से जो है वो अयस्क कौन कौन से प्राप्त होते हैं। टेबल जो है वो इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर कि कौन, जैसे मान लीजिए पूछ लिया गया कि बॉक्साइट जो है वो किस, जो है अयस्क जो है वो किस धातु से मिल करके बना हुआ है, तो इस टाइप से इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आप टेबल अच्छे से याद कर लीजिएगा। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बच्चों बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बच्चों ये क्लासेस एकदम फ्री हैं तो आप भी इसका लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें।
धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।